टीवी इंडस्ट्री में आए दिन दो कलाकारों के प्यार की खबरें सामने आती रहती हैं, जिससे वे सभी कलाकार और उनकी प्रेम कहानी या लाइमलाइट में बनी रहती हैं। लेकिन जहां उन कलाकारों की प्रेम कहानी लाइमलाइट में बनाई रहती है, वहीं टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी कलाकार रहे हैं जिनकी प्रेम कहानी कभी सामने ही नहीं। उन कलाकारों ने एक दूसरे को डेट करने की खबरों और अपनी प्रेम कहानी को जग से छिपा कर रखा, इसलिए तो आज भी उन सभी की प्रेम कहानियाँ एक राज बनी हुई है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कलाकारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे को डेट किया पर अपनी प्रेम कहानी को हमेशा एक राज ही बनाकर रखा। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे सितारे। नंबर वन, चाहत खन्ना और फरहान मिर्जा। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि फेम एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने साल 2006 में भारत नरसिंहानिया से शादी की थी, लेकिन दोनों एक साल बाद ही अलग हो गए थे, जिसके बाद इनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए फरहान मिर्जा से हुई थी। उस मुलाकात में दोनों को पहली ही नज़र में प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे की डेट किया, पर एक दूसरे को डेट करने की खबरें किसी को नहीं होने दी। इसलिए तो जब साल 2013 में दोनों की शादी की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया था, पर इनके साथ भी इनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और साल 2018 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे। नंबर टू, रघुराम राजन और सुगंधा। आप भी ये दो नाम जानकर हैरान रह गए ना, पर यह सच है कि रघुराम राजन और सुगंधा मिश्रा ने भी एक दूसरे को डेट किया था। दोनों की मुलाकात एक कॉमेडी टीवी रियलिटी शो के दौरान हुई थी, जहां दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, पर अपनी प्यार की इस दास्तां को सभी से छुपा कर रखा। पर दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं चली और आखिरकार दोनों ने अपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। नंबर थ्री, बिनाफ्शा और वरुण सूद। बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट रही अभिनेत्री विनाफ्शा भी एक दौर में एमटीवी स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट वरुण सूद के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों ने काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था और इन दोनों के लिंकअप की खबरों ने दर्शकों से खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन बिग बॉस 11 में आने के बाद से ही बिनाफ्शा और वरुण सूद के बीच टकराव पैदा हो गए थे। खबरें थीं कि बिनाफ्शा अपने कोस्टार प्रियांक शर्मा को डेट करने लगी थी, जिसके चलते इन दोनों का ये प्यार आधे अधूरे मोड़ पर ही खत्म हो गया। नंबर फोर, कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी। पुनर्विवाह शो में काम करने के दौरान कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, जिसके चलते दोनों के एक दूसरे को डेट करने की खबरें सामने आई थीं। पर जब इन दोनों से पूछा गया तो दोनों ने ही इस बात से इनकार कर दिया था और साथ ही अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था। नंबर फाइव, आदित्य श्रीवास्तव और श्रद्धा मुसले। सीआईडी शो में अभिजीत का किरदार निभाने वाले अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव और डॉक्टर तारिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा मुसले के बीच शो में तो काफ़ी प्यार भरी केमिस्ट्री दिखाई गई थी, पर वही रियल लाइफ में भी दोनों के बीच प्यार भरी केमिस्ट्री शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, पर क्योंकि आदित्य शादीशुदा थे तो दोनों का रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया। इस तरह दोनों की ये प्रेम कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। हालांकि जब बाद में दोनों से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो दोनों में इस बात को महज एक अफवाह बताया था। दोस्तों, आपको इनमें से किस जोड़े की अनसुनी लव स्टोरी के बारे में जानकर हैरानी हुई? आप हमें उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।